ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। मौसी और टांगे में आने वाले कौन थे? एक तो जानकी देवी और दूसरा उसका बेटा जो शहर में डॉक्टरी पढ़ता है। मौसी सोनू आया है। तू इतनी खुश क्यों हो रही है? कुछ नहीं। अरे रोको रोको, क्या हुआ बेटा? वो बहुत दिनों के बाद गांव वापस आया ना, जरा गांव देखता हुआ आता। अच्छा, देर मत करना। अच्छा समझे, चल भाई। शांता शांता सुनो तो, नहीं रुकोगी? अरे तो बोलती क्यों नहीं? छोटी थी तो काफी चू चू करती रहती थी, बड़ी होकर कहीं गूंगी तो नहीं हो गई हो? बस शांता अब रुक भी जाओ। कुछ नहीं कहोगे? झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, तो चूड़ी तेरी खनकी, ये पायल तेरी छनकी, ये तेरी मेरी, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, झुके जो तेरे नैना। अरे
कली जो खिलेगी, कली जो खिलेगी तो खुशबू उड़ेगी, छुपे फूल फिर भी ना खुशबू छुपेगी। छुपा ले ये फूलों सा मुखड़ा कहीं तू, लगन तेरे मन की तो छुप न सकेगी। उड़ा जो तेरा आंचल, उड़ा जो तेरा आंचल तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना, कभी छांव बन के कभी धूप बन के दिखाता है ये रूप सपने मिलन के। मगर जब मिलन की घड़ी पास आए तो दिखलाए जलवे ये बेगानपन के। जो लट लहराई, जो लट लहराई तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना, किस लिए? एक तो मैं बीमार। नहीं माँ, वो आ गए। कौन? वो अपना सोनू। सुनील? हाँ। साथ में जानकी? हाँ। पर चली गई इतनी जल्दी? नहीं, वो दोनों चले गए घर, अपने घर उधर। अरे उधर नहीं तो क्या इधर आ जाते, गांव पहुंचते। पगली लो माँ, संभालो। तुमने देखा है उसे? किसे? वही जिसके साथ हम बचपन में खेला करते थे। जो मुझे ना देखे मैं भी उसे कभी नहीं देखी। अरे सुन तो, अभी अभी वो शहर से आया है जहाँ वो डॉक्टरी पढ़ता है, जानकी बुआ का बेटा। अरे वो सुनील? सुन, हाँ हाँ वही जिसने बचपन में दलहन बेशरम कर दी। अरे शोभा, तू वहां क्या खिक-खिक कर रही है? चल जा, कॉलेज का वक्त हो गया है। जा तो रही हूँ माँ। अब तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा, जाकर बर्तन मांज अपने भी और साथ में दूसरों के भी। गुड मॉर्निंग। शायरी खेती समझकर सब गधे चरने लगे, ना पढ़े उर्दू का कायदा शायरी करने लगे। कल गुले लाला थे लाला, आज पीले पड़ गए, औरतों के राज में ये मर्द ढीले पड़ गए। हे घड़ी ने 10 बजाए, घड़ी जब 10 बजाती है तो शोभा याद आती है। डार्लिंग गुड मॉर्निंग शोभा सूरी।
बोलो डार्लिंग, आज क्या खाओगी? आइसक्रीम खाओगी, लॉलीपॉप खाओगी या सिनेमा का टिकट चाहिए? हाँ, सब कुछ। ओके, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा कहाँ से? जेब खाली। यही तो रखी थी। फिर वही मर्दी कुत्ता। ओ ओ ओ। ठहर। आज मैं तेरी टांग तोड़ कर न रख दूँ तो पहना। हे भगवान, जाने अभी कितनी टांगे तोड़ेगी मेरी माँ। इसीलिए तो कभी मुझे और कभी बाकी को चूल्हा झोंकना पड़ता है बारी बारी। हनुमान बेटा, जरा देखना कुत्ता मर गया हो तो इसे बाहर फेंक दे। कहाँ है कुत्ता? इधर। नहीं, 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 मैं कुत्ता नहीं हूँ। I know, कुत्ता। पिताजी, अगर मैं कुत्ता हुआ तो आप कुत्ते के पास। क्या बकता है तू, यहाँ क्या कर रहा है? देखिए पिताजी, आज आपकी बारी थी, आप खाना बना रहे थे, दादी माँ माला जप रही थी, मुझे 10 रुपए की जरूरत थी, इसलिए संदूक खोल के मैंने 10 रुपए निकाले। 10 रुपए के लिए किसी को तकलीफ क्यों दे, है ना दादी माँ? बेचारा, बिन माँ का अनाथ बच्चा। मेरी दादी माँ, माय ग्रैनी। तुझे अपनी दादी माँ का कितना ख्याल रहता है बेटा। यस। मैं तुझ पर से रोज 10 रुपया वार कर फेंक दे। हनुमान, चलो जल्दी तो 10 रुपया अपने लाल को। डैडी, हनुमान जी निकालिए 10 रुपए, क्विक क्विक। अभी कल ही तो कॉलेज की फीस दी है, क्या करने हैं 10 रुपए? अरे तो मेरा और तो खर्चा वर्चा नहीं है क्या? अरे वर्चा क्या? देखिए, आप समझेंगे तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाता हूँ। फर्ज करो शोभा पेंसिल के बहाने मेरी जेब में हाथ डाल दे तो और मेरी जेब से 1 रुपया नहीं निकले तो उसमें आपकी इंसल्ट हो गई तो मैंने कहा था ना आप नहीं समझेंगे, तो अगर हम निकालिए 10 रुपए। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हाय हाय, आज मेरे पास कुछ नहीं है, दिल भरा हुआ है और पॉकेट खाली। पूछो क्यों, ये मैं खुद बताता हूँ। ये मेरे डैडी है ना, ये वो है, वो दैट वो मक्खी जिसको क्या बोलते हैं, कंजू मनहूस। और जो जो 5 रुपए दे उसे क्या कहते हैं? कुछ नहीं। हाँ, नथिंग। और जो 10 रुपए और दे उसे क्या कहते हैं बेटी? सब कुछ। उसको कहते हैं डैडी, फादर इन लॉ, यानी तुम्हारे होने वाले ससुर। अभी कॉलेज का टाइम हो रहा, चलो मेरा सिलेंडर। पिताजी थैंक यू फॉर 10 रुपीज। ग्रैंड बाय बाय। कुमार ही जाऊं, क्या जुगा जोड़ी है। गधा आवा, पढ़ना लिखना खाक नहीं, इम्तिहान में हर साल फेल, ये सब तुम्हारे कारण है माँ। अरे जा जा, जैसे तू बड़ा काम का है, 1000 बार माथा फोड़ी कर चुकी हूँ, मगर इतना तो हुआ नहीं कि कोई नौकरानी दूर कर ला पा। पर कौन आएगी इस घर में कुत्ता बिल्ली बनने, तुम्हारी लाठी से अपनी टांग तुड़वाने? क्या कहा? कहा अपना सर, टूट गई मेरी तकदीर, बाहर विद्वान घर में नादान। क्यों भरम सिंह, आज राजा साहब समाधि से बाहर निकलेंगे या नहीं? अजी ये तो वही जाने, आजकल तो वो सवेरे ही से पीने लग गए। अरे तो सप्लाई क्यों नहीं कम कर देते? अजी तो ये पते की बात आप ही उनसे क्यों नहीं कह देते? ना बाबा ना, वो सर क्या जो धड़ पे न रहे। हनुमान जी उल्टे आप ही समझ गए। जय राम जी राजा साहब, जय राम जी। जय राम जी की जय राम। ये किस लिए? इसलिए कि आजकल हम सवेरे से शराब पीते हैं और पियेंगे। राजा साहब दूसरी चाल, यहाँ चलिए यहाँ। हम पहले माफी मांगो। अच्छा आप तशरीफ रखिए, बैठिए। हम जानते हैं हम शराब क्यों पीते हैं। आप चाल चलिए, पहले हम चलेंगे सकत हमारा। अच्छा ये लीजिए, ये हो गया। नमस्ते राजा साहब। नमस्ते। और भाई जी, मैं ठहरो ठहरो ठहरो, सुनील जी। हाँ, आपके मित्र मधुसूदन जी का बेटा। अरे बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। भरम सिंह, तुम्हें क्या पता किस बेचैनी से हम
कॉफी। कॉफी? जी माफ कीजिएगा, मैं कॉफी भी नहीं पीता। वाह सुना हनुमान जी, कितना अच्छा हो अगर सभी ऐसे हो जाएं। हाँ, हम समझ गए तुम्हारा इशारा किस तरफ है और हम तुम्हें जवाब भी देते, मगर इस वक्त सुनील से कोई खास बात करनी है। हाँ तो भाई सुनील, तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए अब कितना और समय लगेगा? जी वैसे तो पास हो चुका हूँ, सिर्फ हाउस सर्जन का कोर्स बाकी है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तब तक हमारे अस्पताल की इमारत भी तैयार हो जाएगी। जानते हो सुनील, तुम्हारे तुम्हारे स्वर्गवासी पिता को किसने सलाह दी थी कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए? जी हाँ, माता जी ने मुझे बताया है। आप जानते हो क्यों? फूल अच्छी तरह खिल के मुरझा जाए तो किसी को दुख नहीं होता, उल्टे चारों तरफ उसकी सुगंध फैल जाती है। दुख तो तब होता है जब दिन खिले मुरझा जाए, सूख जाए, गिर पड़े डाली से। नहीं समझे ना? बस यही है हमारी कहानी। बड़े सुख के दिन थे वो जब हम थे, हमारी पत्नी थी और एक छोटी सी बच्ची। एक एक करके दोनों चले गए और हम अकेले रह गए। अब तो भी बताओ सुनील, हम किस लिए जिए, किसके लिए जिए? राजा साहब आप इतने हम यही कहोगे ना कि निराशा अच्छी नहीं, जिंदगी है जीने के लिए। राजा साहब तुम ये क्यों नहीं पूछते कि ये सब कैसे हुआ? सिर्फ इस कारण उस समय इस गांव में ना कोई अस्पताल था ना कोई डॉक्टर। सुनिए हम नहीं चाहते जो हम पर बीती वो दूसरों पर बीते। वो जो अस्पताल हम बनवा रहे हैं तुम उसे चलाओगे ना? मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा राजा साहब। बस और तुमसे हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं चलूं? हाँ तुम चलो। नमस्ते। माँ राजा साहब चाहते हैं जब उनका हॉस्पिटल तैयार हो जाए तो मैं वहाँ डॉक्टर की हैसियत से काम करूँ। सच? हाँ मैंने हाँ भी कर दी माँ। अच्छा किया बेटा, उन्होंने तुम्हारे पिताजी की बड़ी मदद की थी उनके काम शुरू करने के लिए। आज हम जो कुछ हैं उन्हीं की दया से। आज तुम्हारे पिताजी होते तो मैं जानती हूँ गांव में मुझे और कौन मिला? शांता। मुझे देखकर इतनी झेपी के क्या बताऊं, पहले तो कुछ अजीब सी थी, पतली सी, उलझे हुए बाल, तोतली जबान, लेकिन अब बड़ी हो गई। ये बड़ी बड़ी आंखें, ये लंबे लंबे बाल और भरा हुआ जिस्म। प्रणाम माता जी। जीती रहो। तुम्हारी माँ भी आई है? नहीं बीमार है ना इसलिए नहीं आई। अच्छा इसलिए तो मुझे भेज दिया? हा? मुझे नहीं, ये पका कर रख दो। ये क्या चीज है देवी जी? खीर। माँ कहने लगी तुम्हें खीर बहुत पसंद है। तो फिर तुम क्यों शाल ले रही हो? बादाम मैंने डाले हैं इसलिए। अच्छा अच्छा, फिर तो मुंह मीठा करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं, ऐसे खोलो। खैर खीर से ना सही, हम इससे मुंह मीठा कर लेते। आयो शांता ये ले फल। हाँ प्यार के बदले प्यार। खीर के बदले सेव। मतलब हम पराए नहीं। अब ना ले। अच्छा माँ जी तो मैं जाऊँ? जवान लड़कियां जितने जल्दी अपने घर पहुंच जाएं उतना ही अच्छा। अच्छा अच्छा माँ जी शांता
वो तू कहाँ जा रहा है? मैं ते ए कहाँ जा? खाना तो खा ले। खीर सुनील, हमारी जान की देवी का बेटा। वारी जाऊं बेटा, वारी जाऊं। आओ बेटा, अंदर आओ। आओ बैठो ना, बैठो बेटे। चाची जी, ये बीच में दीवार कैसे? क्या शांता और माँ जी अब यहाँ नहीं रहते? क्या बताऊं बेटा, ये सब मेरी जेठानी का किया धरा है, शांता की माँ का। घर वाले की आंख बंद होते ही उसने हमसे भी आंखें फेर ली, बीच में ये दीवार खड़ी करके। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाती हूँ। नहीं चाची जी, मैं जरा शांत और माँ जी से मिल लूँ। अच्छा चाची जी। सुनील बेटा, तुम इस दरवाजे से बात कर सकते हो। शांता, शांता बेटी, सुनील आया है। शांता, शांता। कितनी बार कहा कि दरवाजा मत खोलो। घबराती क्यों हो भगवान, दरवाजा खुल गया तो क्या हुआ? तुमने जो दीवार खड़ी की है हमारे उनके दरमियान, वो तो नहीं टूट सकती। हे भगवान, ऐसा पति किसी को मत देना। हे भगवान, ऐसी प्रार्थना किसी की न सुनना। ए, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। क्या? बताने की नहीं है। तो फिर मैं नहीं आती? देखता हूं कैसे नहीं आओगी। कंगन कितने सुंदर, दो ना। दो, दो ना, दो ना, दो ना। ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? हाथ आगे बढ़ा। नहीं, नहीं, ठीक है। जैसे हाथों के लिए बने हो। सोचे क्या? वही जो मैं सोच रहा माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। क्षमा करना भगवान, भूल हो चली थी। भूख है ना, भूख तो सबको लगती है। बांके बांके बेटा, अरे खाना पकाया कि नहीं? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चूहा क्या जो दौड़े ना, चूहा क्या जो दौड़े ना। जगनेश जगन लड्डूवन का भोग चढ़े और चढ़े मेवा। अरे अभी और कितनी देर है? बस रेडी बापू, रेडी, सिर्फ थोड़ी देर है। अबे ये कस्टर्ड की बू कहां से आ रही है? बू नहीं बाबू, खुशबू कहो, खुशबू। स्वीट स्वीट स्मेल, गर्मा गर्म खाने की खुशबू। अरे खुशबू क्या जो आए ना, भूखे को तड़ आए ना। दादी माँ, खिचड़ी तैयार हो गई। दादी माँ, आपने तड़का इसी तेल से दिया क्या? क्या हुआ बेटा? अरे दादी माँ, ये कैस्टर ऑयल है। कनस्टर नहीं, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। हाय राम, मैं तो तिल का तेल समझी थी बेटा, अब क्या होगा? गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी। आज खाना पकाने की बारी मेरी थी और मैंने तुमसे कह दिया। क्या करूँ, मुझे दिखाई जो नहीं देता बेटा। और अब दिखाई के साथ सुनाई भी नहीं देता। सगाई किसकी? मेरे बाप की। सगाई नहीं, सुनाई। क्या करूँ, बुद्धि जो हो गई। सुन दादी माँ, तुम जाओ पिताजी के पास, मैं खिचड़ी लेकर आता हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा। और सुनो दादी माँ, तुम मत खाना। नहीं बेटा, तू भी मत।
हाँ? नहीं नहीं अरंडी के तेल के साथ प्योर घी कोई ना कोई नई डिश बन जाएगी। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। माँ बैठो बैठो ना। ओ माँ के चूटे की संतान खाना लाना इतनी देर किस लिए? चूकी क्या जो सोए ना और देरी क्या जो होए ना। Here is your breakfast, Babu. This छोटी plate is for दादी माँ, बड़ी for you. अच्छा और तीसरी plate है? बाबू मैं तो dining पर हूँ। वैसे मैंने पकाते पकाते थोड़ा खा लिया। समझा तभी इतनी देर लगा दी। खैर कोई बात नहीं बेटा। कैसी है माँ? क्या मजेदार खिचड़ी पकाई है बेटा? इसका तो अपना ही मजा है। बेटा किसका है? प्योर घी में बनाया बापू, खाओ तकलीफ नहीं होगी। मेरा मतलब है मुंह में डालिए सटक जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक सटकता ही रहेगा। बेटा पांके, तू हमारा बेटा ना होता तो मैं तो तेरी पढ़ाई लिखाई बंद करा के तुझे बहुत जीवन हो गए। तो थैंक यू बापू। और खाओ बापू खाओ। ये फिर वही कस्ट्रॉल की बू? नहीं नहीं बापू, मुझे ऐसा लगता है आपको फ्लू हो गया। लू? लू नहीं बापू, फ्लू। लू से तो नाक खुलती है, फ्लू से बंद होती है। फ्लू के बच्चे दबा लेना। तमीज शर्म तो नहीं आती? दो बूंद कस्ट्रॉल और दो तो मोटी मोटी गालियाँ। गालियाँ क्या, अभी तो मैं हड्डियाँ तोड़ के रख दूंगा। तो फिर देखता क्या है, पकड़ लाठी अब तोड़ मेरी हड्डियाँ तोड़ ले। तो कस्टराइल बांके ने नहीं तुमने डाला था। अरे मैंने नहीं तो क्या उस नौकरानी ने जो कभी मिली और न मिलेगी। हनुमान मैं तुझसे भर पाई अब इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। चली इसी दिन शोभा की माँ के घर। माँ ना माँ ना। बता तो मुझे रोका तुझे मेरी सौगंध। माँ माँ मालकिन घर में है? है। मालकिन जानकी बहन। जानकी बहन कौन? नहीं पहचाना मुझे? मैं चंपा कली। ओ शोभा की माँ। हाँ बैठो बैठो बैठो। मेरी शोभा को देखोगी तो बिल्कुल नहीं पहचान सकोगी, जैसे मैं भी इतने वर्षों बाद ना पहचान सकी तुम्हारे सुनील को। शोभा के पिताजी कैसे हैं? अरे बिल्कुल वैसे के वैसे। अरे तू क्या नारियल के पेड़ की तरह खड़ी है, चल जा अंदर रख दे लड्डू की थाली। इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें ना सही पर मेरे मन में जो लड्डू फूट रहे थे तुम्हारे यहाँ आने से उनका क्या करती। लड्डू तुम्हें पसंद है ना, देखा कैसे भाग गई मैं। और मेरी एक जेठानी है पार्वती, मैंने उसे कहा कि मैं सुनील की माँ के घर जा रही हूँ। जानती हो उसने क्या कहा? बस चुपचाप मुंह फेर लिया। छी 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 छी, अरे मट्टी डालो उसके सर पर, वो अपने घर खुश और तुम अपने घर खुश। सुनील कहाँ है? कहीं गया होगा घूमने फिरने। मैं बताऊँ मालकिन कहाँ? वही शांता के पास। मेरा सुनील शांता के साथ? ए सुन अमृत खाएगा? अला बोलो। ए, सुनो सुनो बड़ा मजा आता है।
ओफो, तो मैं खाने नहीं आया हूँ। अरे कुर्ता पहन, तुम्हारे गीले कपड़े मुझे दे, मैं सुखाने रख देता हूँ। ले लो। क्या हुआ? लो ना, लो। हाँ, ये। हाँ। ज़्यादा उछल कूद करने से यही होता है। ये लो। घर? और ऐसे?
फिर तो दिया जले तक यही रहना पड़ेगा। यही रहना पड़ेगा कहाँ? चलो बाबा चलो ले ग्लास। ओहो आधी रात माँ घर के बाहर तारे गिनती हुई और कुंवारी बेटी की जगह एक उमती हुई लालचैन। अब कहाँ चली देवी जी? तुम्हारी शांता तो वहाँ है जहाँ उसे कोई देख ना सके, पर देखने वाले देख ही लेते हैं। देवी जी सूरत तो देखो इसकी, बाल बिखरे बिखरे, गाल तमतमाए हुए और शरीर है कि छिपाए नहीं छुपता एक मर्दवे के कुर्ते से भी। तो क्या हुआ चाची, आपकी भी तो एक बेटी है, उसके हाथ क्या खाली ही रहेगी जीवन भर? सुनिए, कुछ दिन के लिए इस गांव को भूल जाए तो ही अच्छा, वरना तेरे पिता का सपना अधूरा रह जाएगा। माताजी आ रही है। अच्छा तो तू यहाँ क्या कर रही? जा उन्हें जल्दी से ले आ। अरे हाँ हाँ सुनील की माँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, 100 बरस जियोगी। इतनी सारी मिठाई किस लिए रहे? अरे इतने वर्षों के बाद हमारे घर आई हो, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। लो खाओ खाओ ना बहन। मां जानकी बहन, ये है मेरी बेटी शोभा। अरे देख क्या रही है बेटी, ये सुनील की माँ है, पाँव छू इनके। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटे, आप मेरे पास बैठो। कितनी सुशील है, कॉलेज में पढ़ती हो? भगवान करे नजर न लग जाए, वर मिले तो अपने से भी अच्छा। तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो अच्छा वर मिल ही जाएगा। तुम भी क्या माँ, फूल ऐसी लड़की पसंद है मुझे, लिखी पढ़ी भी और शर्मीली भी। माँ जी क्या? माता जी कह रही हैं जरा हमारे घर भी होते जाइएगा। अच्छा अब तुम्हारी माँ को याद आई हूँ मैं? नहीं ये बात नहीं माँ जी। क्षमा करना जानती, मैं बीमार इसीलिए तुम्हारे घर ना आ सकी। अरे वाह अच्छी बीमारी है, कोई सुने या ना सुने सिर्फ अपनी सफाई। अच्छा चल पकड़ी, मैं चली, बहुत से काम पड़े हैं। जानकी जानकी कीड़े पड़े इसके मुंह में, एक घुट चाय भी नहीं पीने दी कल मुई ने। जानकी बहन हमारे घर नहीं आओगी? आओ जरा थोड़ी देर के लिए, जगत लगे। मान जाओ बहन, इतना अपमान ना करो हमारा, हम कभी दोनों बहनों की तरह थे। तब की बात और थी, अब तुम भी उन दिनों को भूल जाओ तो अच्छा। क्या ऐसी रुखाई, ऐसा जवाब? क्या तुम वो वचन भी भूल गई जो तुमने कभी सुनील और शांता के बारे में दिया था? ये सब इसीलिए ना कि आज हमारे दिन अच्छे नहीं रहे। यानी अब मेरे अच्छे दिन आए हैं, मुझे घमंड हो गया है, मैं बदल गई हूँ। ये मैंने कब कहा बहन, छोटी तोहमत तो न लगाओ। तोहमत मैं लगा रही कि तुम शर्म नहीं आई, चाहे जो मुँह में आए बक दिया। नहीं बहन ऐसा मत समझो, मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो माफ कर देना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ दूँ, मैं तुम्हारे हाथ। माँ बेटी जानकी आई? नहीं माँ वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। माँ बेटी हरी तुम हरोगा भजन तो सुना, इस समय किस लिए माँ? ये समय ही ऐसा है बेटी।
सोनू, माँ बहुत बीमार है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं और क्या ना करूं। यहाँ क्या करने आ मरी? अगर मरने वाली का भूत तेरे पीछे पड़ गया तो एक नई आफत। चल 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 यहाँ से। क्या बात है? माँ जी की तबीयत कैसी है? सोनू, सोनू, माँ को बचा लो सोनू। घबराओ नहीं शांता, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, 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 देखो कौन आया है। माँ सोनू आया है, सोनू। माँ, माँ जी, माँ जी, माँ जी, आंखें खोलिए माँ जी, देखिए, सुनिए। माँ, माँ जी, मेरी शांता। माँ जी, आप शांता की चिंता मत कीजिए, मैं जो हूँ शांता मेरी है। पानी से दुख भूल सकते तो आज सारा संसार रो रहा होता तेरे लिए। रोहित जी कह रहे थे कि इस घर के ग्रह अच्छे नहीं है, इसलिए तेरा यहां रहना ठीक नहीं। चाची, चल 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 बेटी, अब मैं तुझे एक पल भी यहां रहने नहीं दूंगी। अजी साला, भाई मुबारक हो, इस साल तू भी पास हो गया। अरे भाई, हे दादा, सॉरी यार बांके, बड़े अफसोस की बात है, अब के बार फिर तुम हंस रहे हो। अरे बांके, इस साल तुम फिर लुढ़क गए। अरे मैं तो लुढ़क गया, लेकिन ऐसा लगता है कि तकलीफ तेरे को हो रही है। कौन इसी बात पर मैंने एक नज़म लिखी है, सुनाता हूँ। यारो यारो खुशी मनाओ, मैं नाकाम हो गया, अब तक तो गुल था, आज मैं गुलफाम हो गया। धोबी बना हुआ था किताबों का आज तक, धोबी कपड़ा धोने वाला, धोबी बना हुआ था किताबों का आज तक, अब शुक्र है कि इल्म का अच्छा हो गया। अब सुनो, कीड़े जो थे किताब के, हाँ कीड़े कीड़े कीड़े, तुम लोगों से बात कौन कौन हुआ, कब पास हो गए? तो सुनो, कीड़े जो थे किताब के सब पास हो गए, अखरोट था मैं टूट के बादाम हो गए। आइए मैडम कालो, अब आखिरी शेर सुनिए। कब चल दिए यहाँ से हसीनों को छोड़कर, कब चल दिए यहाँ से हसीनों को छोड़कर, मैं रह गया यहीं पे, बड़ा काम हो गया। मुंह मीठा करो, शोभा के पास होने की बधाई हो चंपा कली, बधाई हो। अब जल्दी से लगन का मुहूर्त निकलवा लो। शोभा, बांके की शादी कहाँ? शादी तो होती ही रहेगी दादी माँ। हाँ। पहले उस चुड़ैल शांता की फांसी तो गले से उतार लूं। शांता कहाँ से अटपकी? हमारे पिछले जन्म के पाप का फल। इतना तो सोचो दादी माँ, अगर मैंने अपनी बेटी के हाथ शांता से पहले पीले कर दिए तो दुनिया क्या कहेगी, जितने मुंह उतनी बातें। क्यों, ठीक कहा ना हनुमान भैया? हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी शांता के लिए वर मिलेगा कहाँ से? अरे
मिलेगा क्यों नहीं, उसे कौन सा जिम्मेदार या कलेक्टर चाहिए, जैसे लड़की वैसा बस, क्यों ठीक कहा ना हनुमान भैया। अरे सोच क्या रहे हो, ये काम भी तुम्ही को करना होगा। हाँ करना ही होगा, जब तक तू है भगवान मैं ही विद्वान। राजा साहब गुरुदेव आ रहे हैं। मतलब ये है कि शुक्रवार के बाद से जब तक गुरु महाराज यहाँ रहेंगे ना हम बोतल को पी सकेंगे ना बोतल हमें पी सकेगी। उस्ताद की माफ राजा साहब, अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो आज आप बोतल पर सवार होते, बोतल आप पर सवार ना होती। कौन सी बात है, अगर आपने दूसरी शादी कर दी कैसे हनुमान, फिर कभी दूसरी शादी का नाम मत लेना। हमको हमें सुशीला याद आने लगती है, तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की। मेरी क्या मजाक है जो मैं आपके सामने गुस्ताखी करूं या आपकी बोतल के सामने। अच्छा अच्छा गुरुजी के ठहरने का बंदोबस्त करो। हे भगवान, जब तक दुनिया मेहरबान मैं ही विद्वान, इसका क्या मतलब हुआ। आयुष्मान भव लक्ष्मीपति, परंपरा अनुसार भजन आरंभ करो। जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारो, समदर्शी है नाम तुम्हारो। नाम की लाज करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। कांटे और कलियां दोनों से मधुबन रहे भरो, माली एक समान ही सींच कर दे सबको हरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। मदिरा पिए छोड़ गंगा जल,
मदिरा पिए छोड़ गंगा जल, व्याकुल मन हो गयो है पागल, मन मेरो बिगरो, ओ गुरुजी मन मेरो बिगरो। सूर शाम की कृपा बिना, सूर शाम की कृपा बिना कोई जग में ना सुधरो, ना सुधरो, ना सुधरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न भरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न भरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न भरो। प्रवचन आज शाम को होगा, अभी आप लोग प्रसाद स्वीकार करके जाइए। हनुमान। गुरुदेव, मुझसे कोई अपराध हुआ? नहीं नहीं, परंतु लक्ष्मीपति में बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। कारण क्या है? क्या बताऊं गुरुदेव, सच कहूं तो उनका अपमान होता है, और आपके सामने झूठ बोलूं तो महापाप है। समझ गए, लक्ष्मीपति को हमारे पास भेज दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हमें एकांत चाहिए। सरकार, गुरुदेव ने आपको बुलवाया है अभी। हम नहीं जाते थे। नहीं तो वो खुद यहां चले आएंगे। सरकार, गुरुदेव यहां चले आएंगे। सूर श्याम की कृपा बिना कोई जग में ना सुधरो, ना सुधरो, ना सुधरो। आज्ञा गुरुदेव। लक्ष्मीपति, तुमने हमारी आत्मा को महान कष्ट दिया। लक्ष्मीपति, क्षमा नहीं मिल सकती गुरुदेव? नहीं नहीं, जो पाप तुम कर रहे हो वो तुम्हारे, हमारे या इस संसार के विरुद्ध ही नहीं, भगवान के विरुद्ध भी है। गुरुदेव, भगवान के विरुद्ध हमने कभी कोई लड़ाई नहीं की, हमारी सुशीला को छीन लेने के बाद भी। समझ गए, तो इसीलिए तुम मदिरा सेवन करते हो? हाँ, यदि हम मदिरा सेवन न करें गुरुदेव तो हम अपने दुख को कैसे भूलें? दुख तो संसार के हर प्राणी पर आते हैं, क्या सभी को जीवन से विमुख हो जाना चाहिए? तुम्हारे दुख का एक ही उपाय है। तो कहिए गुरुदेव। पहले गुरु मुद्र का स्पर्श करके वचन दो। वचन दिया गुरुदेव, आप कहिए। तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। क्यों हो गए गुरुदेव? गुरुदेव ये नहीं हो सकता, गुरुदेव ये नहीं हो सकता, सुशीला की जगह कोई नहीं ले सकती। लक्ष्मीपति, तुमने अपने गुरु को वचन दिया है, पालन नहीं कर सकते तो ये गुरु मुद्र का उतार दो इसी क्षण। लक्ष्मीपति। गुरुदेव, हमारे दादा परदादा, वंश वंश परंपरा ये चला रहा है, इसे हम कैसे उतार दें गुरुदेव? तो हमारी आज्ञा का पालन करो। अच्छा गुरुदेव, अच्छा। लक्ष्मीपति, पत्नी का संबंध केवल शारीरिक नहीं होता है, पत्नी सेवा में दासी के समान होती है, जीवन पथ में मंत्री के समान होती है, और पालन पोषण में माता के समान। भूल गए क्या? कार्येषु दासी, करणेषु मंत्री, सेनेषु रंभा, पूज्येषु माता धरित्री। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हनुमान। गुरुदेव, हमारे प्रस्थान के पूर्व लक्ष्मीपति के लिए एक योग्य वधु की खोज कर।
आज ही लीजिए गुरुदेव, बजरंगबली हनुमान भी तो भगवान राम के एक इशारे पर संजीवनी पर्वत उठा लाए थे। तो वैसी ही एक संजीवनी बूटी लक्ष्मीपति को एक नया जीवन देने। हाँ, मुहूर्त भी हम ही निर्णय करके जाएंगे। शांता, प्यासे को पानी और प्रेमी को प्यार न मिले तो वो क्या करे, झुंझलाएगी नहीं। मगर मुझे तुम पर झुंझलाहट नहीं थी, अपने आप पर थी, अपनी मजबूरी पर। मगर तुम घबराओ नहीं, मैं माताजी को मना लूंगा और वो मान जाएंगे। तुम्हारा सोनू। बेटा सुनील। हाँ माँ। हाँ, जरा इस लिफाफे पर शोभा की माँ का पता लिख देना। अच्छा, भूलना मत। हाँ हाँ, भूलना नहीं बेटे। हाँ हाँ। अरे ये मुंह फुलाए क्या बैठी है, चल उठ, उठ के उठन मन, डोली उठने वाली है तेरी, अर्थी नहीं। चाची, मुझे ये शादी अच्छी नहीं लगती, वो मैं जानती हूँ, और क्यों अच्छी नहीं लगती वो भी जानती हूँ। इसीलिए कहती हूँ जल्दी माँ बनना और अपने बच्चों में अपना सुख ढूंढना। नहीं, मरकर भी नहीं। अरे वाह, नमक खाए तू मेरी मर्जी से, और मिठाई खाना चाहती है अपनी मर्जी से। तेरे मुंह में मिर्ची नहीं छोंकी तो कहना। चाची, खबरदार, अगर चुपचाप तूने मंगलसूत्र नहीं पहना तो फांसी की रस्सी डाल दूंगी तेरे गले में। हाँ। अरे तू औरत है या डायन? अरे तू जैसा मर्दुआ मेरे पल्ले पड़ा है ना, इसलिए मैं कहती हूँ जल्दी तैयार हो। मेरी बच्ची, मत रो बेटी, मत रो। जब तेरे जैसी लड़कियां रोती हैं तो ऊपर भगवान भी रोने लगता है। ये सब इसलिए ना कि मेरा कोई नहीं है। क्यों नहीं, मैं आज ही शहर जाता हूँ सुनील को लाने। सच? सच नहीं तो क्या, मैं अभी जाता हूँ, इसी वक्त जाता हूँ। तू चिंता मत कर। हाँ, चिंता मत कर। शांता, ये तुम्हारा खत। मेरा खत? हाँ, ये तुम्हारा और ये माँ का। माँ, बहन चंपा कली, शांता, जितना मैं अपने सुनील को समझती हूँ दूसरा कोई नहीं समझ सकता। वो शांता से मिलता था तो उस पर तरस खाकर, इसलिए नहीं कि उसे शांता से प्यार है, मगर शादी वो शोभा से ही करेगा। जी को मना लूंगा। बड़ा आया माता जी को मनाने वाला, सपने ही सपने। माँ, क्या है? किसका खत था माँ? जरा पी लिया। तू चुप रह, मुँह हाथ धो लिया ना तूने? जा, चाय ठंडी हो रही है, जाके पी ले। जा, जा, जा। शांता बेटी, उठ, आ मेरे साथ। नहीं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं नहीं चाहती इस घर में कोई झगड़ा हो मेरे कारण। यही मेरी किस्मत है। देख, तुम ये शादी मत करो। तुझे क्या मालूम पगली, जैसे तुम्ही को सब कुछ मालूम है। शादी करनी है तो उस बुढ़े से क्यों? अगर हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगे तो भगवान को कौन पूछे शोभा। दीदी, मगर शोभा, तुम उसी से ब्याह करना जो तुम्हें पसंद हो, मुझे बड़ी खुशी होगी, बड़ी खुशी होगी। हाँ।
राजा साहब, राजा साहब उठिए ना, आज आपकी शादी है। किसकी शादी? तुम्हारी? राजा साहब देखो फंस जाओगे। भरम सिंह शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, चलो आओ जल्दी। किसका मुहूर्त? राजा साहब मंगल सूत्र पहना दीजिए। ओ पहना दे लो। राजा साहब मुझे नहीं, दुल्हन को। दुल्हन? ओ दुल्हन, किधर है दुल्हन? राजा साहब वो उधर 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 लो। पंडित जी शांता, तुम किसी बात की चिंता ना करो, तुम यहां सो जाओ, हम दूसरे कमरे में सो जाएंगे। ठीक है? नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप यहीं आराम कीजिए, मैं ही चली जाती हूँ। तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। समझ गए क्यों,
मगर मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूं और फिर हमेशा के लिए तुम्हारे पास। जब तक करने को जलपान मैं ही विद्वान। हाय राम, ये इस कमरे से निकली? अरे शांता, क्या बात है? कुछ नहीं। अजीब बात है। माँ, माँ तुमने घर? अरे मामा बाद में करना, पहले पेट पूजा कर ले जवाई के घर में। अरे माँ, कितना आलिशान, कितना अच्छा घर है, मगर मेरे ब्रदर इन लॉ है ना, उनको देखे तो। हाँ 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 लड़की, धीरे बोल, कहीं उन्हें सुन लिया तो। हम क्या सुन लेगा हनुमान जी? जय राम जी। नमस्ते जवाई राजा। हमारे सास, प्रणाम स्वीकार। जीते रहो जीते रहो। जवाई राज हो तो बिल्कुल ऐसा, देखा हनुमान भैया कितना मान दिया है हमें। ये तो कुछ भी नहीं सासू जी, देखती रहिए, उम्र भर याद करेंगी आप। क्यों नहीं क्यों नहीं, इसीलिए तो इतनी दिलचस्पी ली है आपके ब्याह में। मैंने भी तुम्हारी एक सर तो मेरी सवा से। यानी दोनों मिलकर सवा दो शेर, काफी वजनदार दिलचस्पी है। लेकिन सासू जी, हमें तो शक है इस दिलचस्पी में कुछ गड़बड़ जरूर है। सुना हनुमान भैया, ये तो उड़ की चिड़िया के पर गिनते हैं। अरे नहीं गिनते, मार गिराना भी जानते हैं। चलो माँ चले। हाँ, अब जाना तब जाना, जाना तो जाना ही है। चलो हनुमान। ठहरा, ये कौन है? जी मेरी बेटी। अपनी है ना? तो इसके साथ हमारी शादी क्यों नहीं कर दी? ये क्या कह रहे हैं आप? गुस्सा भी आता है जी। बात ये है, बात हम कहते हैं, बात यह है कि शांता एक बिन माँ की बच्ची है, इसलिए सोचा कि उसके पांव में चांदी की बेड़ियां डाल दो। इसका कोई नहीं, इसलिए इसकी मांग में सिंदूर की जगह पिघलता हुआ सोना उंडेल दो। जबरदस्ती है कि नहीं? नहीं, मुझसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। मैंने शादी की है तो अपनी मर्जी से। हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी मर्जी से, सोच समझ के, मोहब्बत करके, क्योंकि हम खूबसूरत हैं, नौजवान हैं, दुनिया जानती है कि हम शरारी हैं। शांता बेटी, मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। काली माता, अभी तो और भी ठंडे होंगे। चलो चंपा के, अभी समय अच्छा नहीं है। हाँ कब आओगे? फिर कभी यहाँ आए तो जिंदा जुलवाते जाओगे दीवार में। लो शांता, आज से हमारे कमरे में पांव भी मत रखना। तुम्हारा कमरा अलग और हमारा अलग। मालकिन, 3 बजने को आया, उठिए खाना खा लीजिए। उन्होंने खाया नहीं, शराब सामने हो तो वे सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं बहू रानी, उधर नहीं सरकार। सुनी तो तुम यहां क्यों आई हो? हमने तुम्हें मना किया था यहाँ मत आना। चलिए खाना खा लीजिए। खाना? हम खाना नहीं खाते, अमृत पीते हैं। अमृत? ये अमृत नहीं, जहर। ये क्या कर रही हो शांता? लाओ इधर, एक घूंटी तो बाकी है, पी लेने को। लाओ इधर। नहीं अमृत वो भी नहीं। शांता,
अपराध की सजा के हमने तुम्हारी जिंदगी का गला घोंट दिया। आपका कोई अपराध नहीं। चलिए खाना खा लीजिए। तुम अपने हाथ से खिलाओगे हमें? ये दूसरी सजा लीजिए ना। जब मैं छोटा सा था तो इसी तरह खिलाया करती थी मेरी मां, मगर मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया था। और एक हम है पर हाथ उठाया। शांता, तुम्हारा भी वही नाम है जो हमारी मां का नाम था। उस नाम से हम इतना प्यार था कि हमने अपने बच्चे का भी वही नाम रख दिया। आज वो दोनों नहीं है। खाइए ना। मगर उन दोनों की जगह आज हमारी बच्ची जिंदा होती तो शांता की उम्र की होती। अरे मां के कॉलेज नहीं गया अभी तक। बापू इसकी हवा निकल गई है। तो क्या मैं हवा बन जाऊं? नहीं बापू, मेरा हेल्पर बनो, ये रबर की नली को पकड़ो। नहीं 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 ठीक है, मैं आज कॉलेज नहीं जाता हूँ। अगले साल की फीस भी तुम ही भरना। ऐसी दया मत करना मुझ पे। क्या नली को पकड़ो, नली को। अरे हवा तो सारी बाहर निकल रही है। अरे तो आप ताकत से पकड़ो ना, ये रबर की नली है, कुछ सांप की मुंडी थोड़ा ही है। और तू खरा मक्खियां मार रहा है क्या? कहा मैं मक्खी मार रहा हूँ? चलो आप मारो मक्खी। मारो लाइदार तैयार मारो। मारो मारो बस बस बस। अरे तो तुम पकड़ के माफक हो गया, आप तो बहुत शक्तिमान है। अरे बेटा तूने मेरी शक्ति नहीं देखी। मैं शक्तिमान था लेकिन शादी से पहले। यही तो मेरी ट्रेजेडी है पिताजी के। क्या कहा? जाता हूँ मैं। रुक जा बेटा, मुझे राय साहब क्या छोड़ देना। मैं हैंडल पकड़ता हूँ, तू पैडल मार। शाबाश, संभाल के बैठो बापू। बापू दिखने में तो सिंगल पसली हो लेकिन वजन डबल है। अरे बापू झटके मत खाओ, बैलेंस जा रहा है। बापू शाबाश। रुक जा नालायक, रुक जा। आए ये आवाज कैसी, पंक्चर हो गई। शोभा अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो काले चले। एक मिनट अंकल, ये खाने का डिब्बा मेरी मम्मी ने मुझे दिया आपकी मम्मी के लिए, और मैं आपको देती हूँ आपकी मम्मी के लिए। समझ गए ना? समझने वाली मेरी माँ जो है। अच्छा दादी टाटा। बाय अंकल। टाटा। क्या जुगल जोड़ी आज, क्या मैं भी पंक्चर हो जाऊं तेरी तरह। क्या हुआ? ये देखो ना, ये भी पंक्चर हो गया। शोभा मेरी बात तो सुनो।
क्यों ऐसा खिसक रही हो? क्या हुआ बाके? हवा निकल गई। किसकी? मेरी नहीं, वो साइकिल की। ओके ओके बाके। रुक जाओ जाने वाली, रुक जाओ, रुक जाओ जाने वाली, रुक रुक। चलो अंदर जाओ, चलो चलो जल्दी, चलो पैक करो। अरे मेरा साइकिल, साइकिल। हेलो हेलो हॉल, हेलो एक मिनट। हाँ भाई साइकिल का दुपट्टा लेके साइकिल बांध दे। हाँ चलो चलो। अरे अरे रुको, जाने दो जाने दो जाने दो। क्या हुआ? हवा निकल गई यार। यारो हवा निकल गई क्या? हाँ बाकी हवा निकल गई। अच्छा अब आ जाओ कैसा भी करके। आप उधर जाइए, टायर पंचर हो गया। पंचर? सुनो सुनो, अरे ताजा ताजा, अरे गर्मा गर्म, अरे पंचर पर। हे टका टक थैया, तक थैया सुन लो भैया, देखो हो गया पंचर पहिया। ये दुनिया मोटर गाड़ी है, कोई चले न जंतर मंतर। दुनिया मोटर गाड़ी है, कोई चले न जंतर मंतर। ना जाने किस मोड़ पे आकर हो जाए पहिया पंचर। ये दुनिया मोटर गाड़ी है, कोई चले न जंतर मंतर। दुनिया मोटर गाड़ी है, कोई चले न जंतर मंतर। पहला पंचर वो देखिए, अरे पहला पंचर वो देखिए, बात सुनाऊं बड़ी कमाल। घर से देखो पढ़ने आए, घर से देखो पढ़ने आए, माँ बाप के प्यारे लाल। भाषाओं के झगड़े में और आपस के इस रगड़े में, झंडे लेकर डंडे लेकर, झंडे लेकर डंडे लेकर, सभा लगा ले करे हड़तालें माँ बाप की। माँ बाप की सब आशाएं कर दे वो छू मंतर। ये दुनिया मोटर गाड़ी है, कोई चले न जंतर मंतर। दुनिया मोटर गाड़ी है, कोई चले न जंतर मंतर। हाय हाय पेंट चढ़ा कर, बाल कटा कर पेंट चढ़ा कर, देखो फैशन कितना भड़का। एक तरफ से लड़की लगती, एक तरफ से लड़की लगती, एक तरफ से लगता लड़का। हुआ अचंबा बांध कुटंबा, नाचे छोरी रंबा संबा। हुआ अचंबा बांध कतंबा, नाचे छोरी रंबा संबा। पलके नकली जुल्फे नकली, फैशन नकली, सब कुछ नकली। आज देश का पहनावा भी हो गया बड़ा बेहंग।
शंकर। ये दुनिया मोटर गाड़ी है कोई चले न जंतर मंतर। दुनिया मोटर गाड़ी है कोई चले न जंतर मंतर। साल में चार चुनाव, अरे 20 साल में चार चुनाव, सबने बोला आओ आओ आओ। ये दुनिया मोटर गाड़ी है कोई चले न जंतर मंतर। दुनिया मोटर गाड़ी है कोई चले न जंतर मंतर। ना जाने किस मोड़ पे आकर हो जाए भैया पंचर। ये दुनिया मोटर गाड़ी है कोई चले न जंतर मंतर। शांता। हाँ? और इस समय हमें खुद नहीं मालूम क्या समय है, लेकिन समय से तुम्हें क्या वास्ता। आओ हमारे साथ। आओ जब हम नहीं चाहते थे तो तुम आ गए, और अब हम चाहते हैं तो तुम नहीं आते। वारी औरत की जात, वाह वाह। कर रही हो? ये लो, आज से इस महल की चाबियां तुम्हारे हवाले, सारी जायदाद सारी दौलत तुम्हारी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए तो शादी क्यों की थी हमसे? हमारी बात का जवाब दो शांता, जवाब दो। मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ भी नहीं। तो मैं कहना ही होगा, हर बात की एक वजह होती है शांता। लोग कहते हैं एक जवान लड़की एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करती है सिर्फ पैसे की खातिर, और तुम कहती हो तुम्हें ये भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हें? आपका सुख। झूठ। अगर सचमुच तुम्हें हमारा सुख चाहिए तो सच सच बताओ तुम्हारे दिल में क्या है। सुनकर आपको दुख होगा। गलत। अगर तुम सच कहोगी तो हमें सुख होगा। मैं जो कुछ कहूंगी आप सुन सकेंगे? कहो शांता, कहो। मेरी बात को मानेंगी? तुम्हें हम पर विश्वास नहीं शांता। हमें अपनी स्वर्गीय धर्म पत्नी की सौगंध है, तुम जो चाहोगी जो कहोगी वही होगा।
तो आज से शराब पीना छोड़ दीजिए। क्यों? इसी ने आपका सुख छीना है, यही है आपके दुख का कारण। आपसे जो कुछ भी भूल हुई है इसी के कारण। देखिए, अगर आपने अपनी सौगंध तोड़ी फिर इसे दोबारा छुआ तो मुझे भी सौगंध है इसकी, मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि हम दोनों में से किसी की सौगंध ना टूटे, ना मेरी ना आपकी। सुशीला, आज के बाद अगर पीना पड़ा तो शराब नहीं जहर पिएंगे। अरे ठहरो शांता, ठहरो। कितनी खुशी की खबर है, अब हमारे अस्पताल का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। सच? हाँ, टेलीग्राम सुनील का, डॉक्टर सुनील। ट्रेनिंग कंप्लीटेड, अराइविंग टुमारो। सुनील, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं पूजा, में देर हो रही है। हाँ जाओ जाओ। मुझे शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो। शांता, शांता, शांता। सुनील बेटा, तुम कब आए? आई आए। अरे शोभा, ओ शोभा, शोभा बेटी, देख सुनील आया है। शांता कहाँ है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? सुनील, मेरी धर्म पत्नी ने शांता को किसी दूसरे की धर्म पत्नी बना दिया, अपने धर्म का पालन करते हुए। हाँ, राजा लक्ष्मीपति की धर्म पत्नी। चला गया क्या? कोई जल्दी होगी चला गया, तेरे लिए ये छोड़ गया। मेरे लिए? शांता, शांता, अभी तक सुनील, इसीलिए मुझे यह अधिकार है। अब नहीं। यही पूछना है मुझे, तुमने उस अधिकार को जो मुझे था क्यों छीन लिया मुझसे? क्यों भूल गई वो वचन जो मैंने तुम्हारी माताजी को दिया था? सुनील, जवाब दो शांता, जवाब दो। कौन से अपराध की सजा है जो तुम मुझे दे रही हो? मत पूछो सुनील, मत पूछो, मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर भी सब कुछ कह दिया। तुमने गरीबी में आंखें खोली, गरीबी में पल कर बड़ी हुई, और फिर तुमने दौलत देखी, रुपए की चमक देखी, और तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया उसी रुपए की चमक से, तुम्हारे भले के लिए। और फिर तुमने प्यार भरा दिल तोड़ दिया मेरे भले के लिए। उनमें जो सपने थे, चमकती रातों और खूबसूरत दिनों के, उन पे अपनी खुद गर्जी, अपनी मतलब किसी आई फेर दी। वो भी तुम्हारे भले के लिए सुनील, तुम्हारे भले के लिए। मेरे भले के लिए तुमने अपना हाथ एक ऐसे आदमी का हाथ भी दे दिया जो मेरे लिए मेरे पिता समान है। हाँ, है कोई उनसे ज्यादा दौलत में? तो शादी करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें दौलत की इतनी हवस थी तो उसे कमाने का एक और भी तो तरीका था, जिंदगी के सारे रिश्ते सब बंधन तोड़ कर। सुनील, तुम औरत नहीं शांता, दौलत की पुजारी हो। सुनील, पतिता रखे। तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ हो, किस आदमी के घर में हो। हाँ, मैं उस आदमी की पत्नी हूँ जिसने तुम्हें यहाँ से एक ही हैसियत से बुलवाया है, एक डॉक्टर के हैसियत से। तुम सिर्फ एक डॉक्टर हो, डॉक्टर और कुछ नहीं। शांता मर चुकी, और ये शांता बेजान
जिसका कोई सपना नहीं। समझ गए ना सुनील, समझ गए ना? तो जाओ, अब जाओ यार, जाओ जाओ। क्या है? सरकार ने आपको याद फरमाया है? क्या काम है? वो अस्पताल के बारे में कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं। सलाह मशवरे के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं, और उनसे कहो अपने हॉस्पिटल के लिए कोई दूसरा डॉक्टर बुलाओ। या क्या कह रहे हो? सुना नहीं तुमने? जाओ। और उन्होंने तो ये भी कह दिया सरकार कि कोई दूसरा डॉक्टर बुलवा ले। सुना तुमने? उद्घाटन की तैयारियां हो चुकी है, अस्पताल खुलने की तारीख भी पक्की। सुनील ने इनकार कर दिया। नहीं, सुनील न रहा तो अस्पताल भी नहीं रहेगा। सुनील हमारे मित्र का बेटा है, और यह अस्पताल हमने सुशीला की याद में बनवाया है, मित्रता और याद की निशानी। अचानक सुनील को क्या हो गया? आज जब वो गया तो देखा उसका चेहरा उतरा हुआ, उसके चाल में गुस्सा। अपराध करे कोई और सजा मिले किसी और को। शांता, बियावती के समय घर छोड़कर ना जा बेटा, मेरी बात मान ले। क्यों ना जा? अब इस घर में मेरे लिए रखा ही क्या? एक माँ थी वो भी पराई हो गई, शांता को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग करके। बेटा सुनी, मैंने जो कुछ किया तेरे भलाई के लिए, एक माँ होने के नाते मैं नहीं चाहती थी कि मुझे एक अनपढ़ बहू मिले हमारी हैसियत से नीचे। हैसियत, रुतबा, पढ़ाई लिखाई तुम क्या समझती हो? इसी का नाम सभ्यता है? अगर ऐसा होता माँ तो इस देश में कोई शांता नहीं होती, सिर्फ पैसे की पुजारी नहीं होती, कोई यशोदा, कोई कुंती नहीं होती, सिर्फ चंपा के लिए तुम ऐसी माया रह जाती थी। कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये हुक्म है तुम्हारा? विनती, प्रार्थना। किस लिए? अपने लिए नहीं, राजा साहब के लिए। थोड़ी देर के लिए ये समझ लिया जाए तो क्या हर्ज है? सुनील, हर आदमी का एक सपना होता है। उन्होंने भी एक सपना देखा था कि इस गांव में किसी दिन अस्पताल के दरवाजे खुलेंगे। तुम्हारे पांव की चाप सुनकर इतना तो सोचो, अगर ये पांव किसी दूसरी ओर उठ गए तो सपने का क्या होगा? कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा शायद। और तुम्हारा? मेरा बहुत कुछ। तुम मेरे ही कारण जा रहे हो ना, इसलिए लोग मुझे शक की नजरों से देखेंगे। जितने मुंह उतने ही बातें होंगी मेरे बारे में। सोचो सुनील, उस वक्त क्या होगा मेरा? सोचो सुनील, सोचो। एक पल, अभी, इसी पल। जो किसी की जिंदगी भी हो सकता है और मौत भी। आप सुबह 11 बजे आ जाइएगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अरे डॉक्टर, तो क्या हुआ, क्या तकलीफ है? तो तकलीफ मुझे नहीं, मेरी दादी माँ को हो गई। अजीता रहा, अजीता रहा। क्या बात है? क्या बताऊं रे,
अरे रे क्या बोल रही हो दादी माँ, अब ये डॉक्टर साहब हैं। अरे डॉक्टर तो आप बनना है, मैं इसे तब से जानती हूँ जब एक दांत से पोछा करता था। हाँ क्या बेटा, क्या तकलीफ क्या? अरे क्या बताऊँ बेटा, मेरे पेट में जैसे बादल गरजते हैं, जैसे कोई चक्की पीस रहा है। उसमें मूंग की दाल डाल के उसका आटा बनाता है और उसके लड्डू बनाकर ये खुद खाती है। हाँ क्या लड्डू खाऊं, इसे बिलायती मिठाई पसंद है। आइए मेरे साथ। कहाँ बेटा? वहाँ जाओ, वहाँ जाओ दादी माँ, जरा संभाल। हाँ। ये तो बहुत पतली चक्की, गिर तो नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं दादी। अच्छा क्या करूँ, लेट जाऊँ? हाँ जी लेट। अच्छा तो गंदा मेरा इधर। आप क्या करूँ? मुंह खोले आगे। डॉक्टर जरा दादी माँ के कान भी देख लीजिए। क्यों, कम सुनाई दे रहा है? कम क्या, जरूरत से ज्यादा सुनाई देता है डॉक्टर। क्या मतलब? डॉक्टर ये डंडा फेंकती है देख कर नहीं सुनकर, मुझे बिल्ली और मेरे बाप को कुत्ता समझती है। को ऐसी दवा दीजिए कि ये उम्र भर के लिए बहरी हो जाए। दूंगा लेकिन अभी नहीं, जब तुम दादी माँ की उम्र तक पहुंचो। डॉक्टर डॉक्टर, अरे उम्र तक पहुंचने के लिए तो दवा दे दो डॉक्टर। ये उम्र तक पहुंचने के लिए दवा? तुम्हारे वास्ते नहीं यार, दादी अम्मा के वास्ते है। हाँ बाकी शोभा बेटी। दादी माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटी जरा पेट में गड़बड़, मगर तुम्हारी तबीयत कैसी, तुम यहाँ कैसे आई? मैं तो डॉक्टर से मिलने आई थी। अच्छा अच्छा, बांके 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 बेटा बांके, क्या हुई? फिर वही फुई फुई बोलने क्या है? दादी माँ शादी की शर्तें बहुत कठिन है। हाँ बेटा थोड़े दिन के लिए कठिन है। चल फुई फुई नहीं कर, सबर कर बेटा, चल घर। शांता दी। आओ शोभा, ये लो अपनी साड़ी। मेरी साड़ी? डॉक्टर साहब लाए थे इसलिए तुम्हारी। डॉक्टर? हाँ तब लाए थे जब उन्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारा ब्याह हो चुका है। माँ समझी मेरे लिए है, लेकिन जब मैं ये साड़ी पहन के सुनील के सामने गई तो मुझ पे बरस पड़े कि मैंने ये साड़ी क्यों पहनी। लो भाई तुम्हारी अमानत संभालो। नहीं अब ये मेरी नहीं हो सकती, तुम ही रखो इसे। ना बाबा ना, उन्होंने दोबारा मुझे इस साड़ी में देख लिया तो मुझसे बात भी नहीं करेंगे। सुनो शोभा, झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना तो चूड़ी तेरी खनकी, ये पायल तेरी खनकी, ये तेरी मेरी। डॉक्टर साहब, सरकार की तबीयत बहुत खराब है, आपको बुलाया है। अभी बस जब मैं बैठ सूं मैं लिया कैट सूं। अरे अरे कोई है शांता? अभी भी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है शांता। कहाँ तकलीफ हो रही है? तुम नहीं समझो कि कहाँ तकलीफ हो रही है। डॉक्टर क्यों नहीं आया, कब से बुलाया उसे? अभी आता ही। अरे तो बुला डॉक्टर को। क्या बात है, क्या? हेलो, तुम भी नहीं समझोगे। अरे तुम डॉक्टर हो, तुम बताओ कहाँ दर्द है, क्या कर रहे हो? छोड़िए क्या देखा डॉक्टर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो पहले ही कहा था तुम कुछ नहीं समझेंगे डॉक्टर, ये तुम्हारे समझने की बात ही नहीं है। राजेश, इस किस्म का दर्द पहले हुआ है आपको?
याद नहीं भाई, याद नहीं। आपको आपको कुछ पता है? आप जरा पानी मंगवाइएगा, तुम्हें पर्दे लगा। क्या दवा है डॉक्टर? एक गोली लीजिए, दो घंटे बाद एक और लीजिएगा। ये लीजिए पानी। अरे ठहर 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 ठहर, अरे वाह, तो जबरदस्त कमाल हो गया। क्या हुआ? तकलीफ बिल्कुल गायब डॉक्टर। अब ये दवा फजूल खा के क्या फायदा है, तकलीफ आएगी तो खा लेंगे। आप जरा याद रखिएगा। अच्छा राजा साहब, मुझे इजाजत दीजिए। ठहरो डॉक्टर ठहरो, आज रात को रह जाते तो अच्छा था। हमारा ख्याल है कि ये दर्द खिसकते कहीं दिल पर ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे बुलवा लीजिए। फिक्र ना कीजिए, क्या कहते शांता? डॉक्टर, आप इनकी बात मान क्यों नहीं लेते? तुम कहां जा रही हो शांता? इधर आओ, तुम यहां बैठो। लो अब तुम उठ चले। हाँ जा रहे, कहीं नहीं, यहीं पर। अच्छा तो डॉक्टर, हम सोने की कोशिश करते हैं। आपने खाना नहीं खाया ना? मुझे भूख नहीं। भूखा रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता डॉक्टर, खा लीजिए। मालकिन ने खाना खा लिया? मालकिन नहीं, वो तो इस घर की बेटी है। बेटी जी, जब से दुल्हन बनकर इस घर में आई है, सरकार इधर सोते हैं, वो उधर दूसरे कमरे में। पति पत्नी की तरह नहीं, बाप बेटी के समान। और अगर हम उनको कभी बहू रानी या मालकिन पुकारें तो सरकार डांट देते हैं। तुम जा सकते हो।
जरूरत होगी तुम्हें बुला लेंगे। पर तुमने ठीक ही कहा था, कोई फिक्र की बात नहीं। मैं कहती हूँ बहन, सुनील को ज्यादा छूटी तो शायद वो शादी के नाम से ही भागने लगे। तुम चिंता ना करो चंपा कली, वो मेरा कहना कभी नहीं टालेगा। लो, वो आ गया। सुनील बेटा। नमस्ते चाची। नमस्ते सुनील, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम है माँ, शाम को। नहीं अभी, शोभा की माँ भी आई है, जरा बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा है, जैसे ना कहना तो कभी सीखा ही नहीं। हाँ तो बात सिर्फ इतनी है कि शोभा की माँ शोभा का ब्याह इसी महीने में करना चाहती है। ठीक है, शुभ काम में देर क्यों? सुना बहन, सुना तुमने? तुम तो यूं ही घबरा रही थी, इधर लगन उधर ब्याह। वो खुशकिस्मत लड़का कौन है माँ? चल हट, जिसे जानता ही नहीं, वो तुम्ही हो बेटे, और कौन हो सकता है? देखो माँ, बहुत हो चुका ये तमाशा, आज के बाद मेरी शादी के बाद तुम कभी मत आना। सुनील, क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर में सिर्फ तुम ही तुम हो और मैं कुछ नहीं। नहीं माँ, इस घर में सिर्फ तुम ही तुम हो, मैं कुछ नहीं। ये घर, ये दरवाजे, ये जायदाद, इन सब पे तुम्हारा राज है, मैं तो हाथ बांधे सर झुकाए गुलाम हूं तुम्हारा। और अगर तुम्हें ये भी अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए मैं ही दफा हो जाता हूं यहां से। हाय राम, मैं तो उसे बड़ा सीधा समझती थी, पर उसने तो बिच्छू को भी मात कर दिया डंक मारने में। शांता हाथ से निकल गई है ना इसलिए, मगर निकल भी गई तो क्या हुआ, है तो वो यही, इस घर में ना सही उस घर में, बात तो एक ही है, ना हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग चौखा आए, जब चाहे वो उसकी, रोज मिलते हैं दूसरे से। क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, झूठ बोलूं तो कीड़े पड़े मेरे मुंह में। नमस्ते माँ जी, आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। बस बस, बहुत हो चुका है मेरा स्वागत, अगर बदला ही लेना है तुम मुझसे क्यों? हाँ बदला, तुम्हारे लक्षण ही ऐसे हैं, खुद तो सुहागन बन बैठी हो मांग में सिंदूर भरकर, और मेरे बेटे को अभी तक नचा रही हो कठपुतली बनाकर, क्योंकि वो कुंवारा है। या क्या कह रही है? अरे हाय, कितनी भोली, कितनी पतिव्रता, मगर चुपके से अपनी ही बहन शोभा के गले पे छुरी। माँ जी, सिर्फ इसलिए ना कि उसके साथ सुनील की शादी ना हो। भगवान, जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? सर ढापने से क्या होता है, अब तो शर्म को भी शर्म आने लगेगी तुम्हें देखकर। आप कुछ भी नहीं जानते हैं राजस्था। लेकिन तुम क्या जानती हो हमारे घर में क्या हो रहा है? मैं सच कहती सरकार, एक दिन सुनील और आपकी शांता। हाँ कहो, यही ना कि शांता सुनील से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, यही कहना चाहती थी ना तुम? तो तुम भी सुन लो, अगर तुम हमारे मित्र की पत्नी ना होती और हमने शराब छोड़ दी होती तो आज तुम्हारी लाश कहां चुकती? जाओ यहां से, जाओ। बेशर्म औरत, ये क्या कर रही हो शांता, ये क्या कर रही तुम? क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दे तुम्हें और हम, फिर हमें कौन क्षमा करेगा शांता, जिससे इतनी बड़ी भूल हुई है। पगली, तुम हमें अभी तक नहीं समझी। ये लो सुनील, एक दिन तुम ये कंगन लाए थे, मैंने पहन लिए और फिर मैंने सपने देखे उन्हीं की खनक सुनकर, फिर वो कंगन चुप हो गए, वो खनक गुम हो गई, वो सपने टूट गए, एक एक करके बिखर गए, और फिर जब मेरा कोई ना रहा तो एक पुरुष ने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया, डूबते का आखिरी सहारा, तो
क्या चाहते हो तुम? अब वो सहारा भी न रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब तक मैं हूं तुम्हें इतने निराश होने की जरूरत नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझ पर तोहमत लगाने के बाद अब झूठा सहारा देना चाहते हो? शांता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो क्यों ये इनकार? क्यों नहीं कर लेते तुम शोभा से शादी, अपनी माताजी का कहा मानकर? इसलिए कि उसने मुझे तुमसे जुदा किया है, इसलिए भी कब कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। और अगर मैं ना रहूं तो? शांता, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो शोभा से शादी कर लो। सुनील, तुम्हें उस प्यार की सौगंध जो मिटता नहीं अमर हो सकता है अपने ही बलिदान से। अरे बाकी भैया, तेरे को मालूम हमारे डॉक्टर साहब की शादी हो रही ना? डॉक्टर साहब को इतनी जल्दी क्या है? डॉक्टर साहब को जल्दी नहीं है, वो तुम्हारी शोभा है ना, शोभा, उसको जल्दी है। शोभा का डॉक्टर साहब से क्या है? अरे वो डॉक्टर साहब की शोभा से शादी हो रही ना? क्या बक रहा? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख शादी का कार्ड। ये शादी का कार्ड है? हाँ। मजा ला ना। शोभा, शोभा, ये क्या? What is this? मुझे क्या मालूम? मम्मी से पूछो। नहीं, मैं तुमसे पूछने आया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि मैं तुमसे ये कह सकूँ कि पहला बच्चा अभी नहीं और दो के बाद कभी नहीं। अगर ये पसंद नहीं तो दो या तीन बच्चे लगते हैं घर में अच्छे। प्लीज शट अप। अच्छा, ये बेवकूफ तो बच्चे गए मिट्टी में और मैं चला जल समाधि के लिए। नहीं बाकी, छोड़ दो मुझे, मेरा मर जाना ही अच्छा। ऐसा मत करो बाकी, मुझे मर जाने दो शोभा, ताकि शांति हो जाए और शहनाई की आवाज तुम्हारे कानों तक आराम से पहुंचे। मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, जाने वाले को क्या? बच्चों किसी से बात कर रहा है? तुम क्या मुझसे भी कहे गुजरे हो, मुझसे भी दुखी हो? मेरा दिल टूटा हुआ, तुम मुझे पीछे से मत रोको, आगे जाने दो प्लीज। अरे प्लीज के बच्चे, अगर मन नहीं है तो फिर मेरे हाथ से मन, मेरे हाथ से मन। आप में इतनी कुवत है, तुमने मुझे समझा क्या है? तो फिर ये कुवत आप शोभा की माँ पर क्यों नहीं आजमाते? कैसे आजमाता, ऊपर वाले का श्राप जो है। क्यों जी, ये क्या दमा चौकड़ी मचा रखी है? शोभा, अरे भाग दो उसकी। ये हुआ यहाँ कहाँ आन मरा? मरा नहीं मम्मी, मरने चला था हमारे कुएं में डूबकर। अरे मरना ही है तो क्या यही कुआं रह गया है हमारे गांव में? हाँ मम्मी, ताकि हमें अकेला जाए। क्या बकती है? नहीं मम्मी नहीं, मैं इसका खून अपने सर पे नहीं लूंगी, नहीं करनी मुझे डॉक्टर से शादी। क्या नहीं बनना उसकी बीवी? अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो बाकी की जगह मैं कुएं में डूब जाऊं। बोलता है ये खींच लूंगी तेरी, तेरी शादी सिर्फ डॉक्टर से ही होगी। दांत तोड़ दूंगी तेरे इस लकड़ी के बेलन से। चल चल अंदर, चल मम्मी, चल मैं कहती हूं। डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो या बकरा काटू कताई? क्या डॉक्टर? मैं बक नहीं रहा, मैं सच कह रहा, तुम शोभा के साथ सिंगल से डबल हो रहे। अगर मुझे मारी डालना तो तड़पा तड़पा के क्यों मारते हो? एक ही झटके में साफ कर दो ना, थोड़ा जहर दे दो ताकि ये जिस्म न रहे, न इस जिस्म के अंदर वो दिल रहे, न उस दिल के अंदर शोभा की याद रहे। I'm very sorry, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, किसी भी तरह नहीं। और फिर शादी तो संजोग की बात है। संजीव? नहीं संजीव नहीं, संजोग की बात है। और संजोग हम नहीं बनाते, वो बनाता है ऊपर वाला। ओ खिलौना जान कर तो मेरा दिल जाते।
मन को भा गए प्यारे कृष्ण मुरारी, लेकिन क्या करें भाग की रेखा हो तो बहुत है न्यारी, और शिशुपाल से उसके विवाह की होने लगी तैया। दुख के आबादीना क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? नमक से का ना कोई मेरा। ऐसा गाना मत गा बेटा, मुझे भी रोना आता है, मेरे लाल मत गा बेटा। मैं क्या करूं दादी माँ, मैं पढ़ाई के इम्तिहान में पास हो गया, हाँ। किंतु प्रेम के इम्तिहान में फेल हो गया। क्या? यह देखो, यह निमंत्रण देखो, शोभा की शादी सुनील से हो रही है। शादी? हाँ। तुम जो कुछ कर रही हो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा ये धोस, तो मैं भी देखती हूँ कौन माई का लाल मेरी शोभा का पल्लो बाकी की फटी हुई पतलून से बांधता है। हाँ, जबान संभाल के चंपा कली। क्यों जबान संभाल कर? क्यों, मैं जो कहूंगी डंके की चोट पर कहूंगी। सुनील और शोभा का रिश्ता मैंने तय किया है जानबूझकर, सोच समझकर, अपनी शोभा को तुम्हारे बाकी की नहुसियत से बचाने के लिए। अच्छा ये बात है, तो तुम भी मत भूलो चंपा कली कि मैं जब चाहूं तुम्हारा टेटवा दबा सकता हूं उसी मंगल सूत्र से जो पत्तियां बुझने पर किसी और ने नहीं तुमने शांता के गले में डाला था। क्या? शांता को यह बात मालूम? राजा साहब उसे कैसे मालूम होती, वो बेचारी तो सर झुका रो रही थी। तुम ये राज इस वक्त इसलिए खोल रहे हो कि शोभा और सुनील की शादी रोक सको अपने फायदे के लिए? मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझे माफ करो। तुमसे माफी मत मांगो, माफी मांगनी तो उससे मांगो जिसकी जिंदगी में तुमने सहर बोल दी। चलो बस। शांता बेटी। चाचा जी बैठी, फल खाइए। नहीं बेटी नहीं, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने तुम पर बड़ा अत्याचार किया। मैं समझी नहीं। समझती तो आज ये दिन ना आता बेटी, बात यह है कि तुम्हारी शादी हुई ही नहीं। यह क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी, उस अशुभ घड़ी लगन के समय राजा साहब को तो होश ही नहीं था, इस पापी ने सब बत्तियां बुझा दी और जब अंधेरा हो गया तो शोभा की माँ ने ये मंगल सूत्र तुम्हारे गले में डाल दिया। मुझे क्षमा कर दो बेटी, मुझे क्षमा कर दो, जो हुआ वो ठीक हुआ शांता, और अब जो होगा वो भी ठीक होगा। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ वो अब मिट कर रहेगा, तुम्हारी शादी फिर से होगी और कन्यादान हम करेंगे। ये क्या कह रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? आप मुझे नहीं समझे, इतना समझे हैं शांता कि अब हमें तुम्हारे रास्ते से हट जाना चाहिए। नहीं। हाँ शांता, तुम्हारी उस जिंदगी को नई जिंदगी देने जो पहले ज़माना और हालात चक्की में पिस गई। नहीं, कभी नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुख न सुख मैं अब कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती। मेरे लिए बस एक ही जगह है इस दुनिया में, आपका घर। इस मंचे ने मुझसे, इस मंचे ने मुझसे, इस मंचे ने मुझसे। स्त्री की असली जगह सोने चांदी की ढेर पर नहीं होती, उस इंसान के दिल में होती है जो सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। तुम पर जो जुल्म हुआ है उसकी जिम्मेदारी तुम पर नहीं आती, हम पर आती है, और सबसे बढ़कर हमारी जात पर। तो फिर हम कैसे चुप रहे हैं, कैसे आंखें बंद किए रखे हैं? तुम्हें जुल्म की सजा भुगतते देख कर जो तुमने नहीं किया हमने किया। तो क्या चाहते हैं आप, मैं अब इज्जत से जी भी न सकूं इस दुनिया में, इस समाज में? कैसी दुनिया, कैसा समाज, क्या अधिकार है इस दुनिया, इस संसार का तुम पर, जिसने सच्चाई के चेहरे पर झूठ का पर्दा पड़ते हुए देखा और उनके खिलाफ एक बार भी अपनी आवाज नहीं उठाई। नहीं शांता,
तुम्हें एक बार फिर शादी करनी है। हमें शक्ति दो सुशीला कि हम अपने धर्म का पालन कर सके और उस बच्ची को आशीर्वाद दो कि अपने नए जीवन में सुखी रहे। वो तुम्हारी बेटी का एक नया रूप है सुशीला। सरकार सरकार मालकिन घर छोड़कर चली गई। चली गई? हाँ अभी अभी। शांता शांता किधर जा रही हो तुम? शांता तुम हमारा अपमान कर रहे हो। शांता रुक जाओ। शांता हम तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें रोक रहे हैं। पटवारा मत करो। रुक जाओ शांता। शांता रुक जाओ। शांता शांता आगे मत बढ़ो। शांता क्या कर रही हो? शांता नहीं। कन्या को बुलाइए। अरे हो राधा जल्दी ला शोभा को। अरे ये क्या हुआ? शोभा के पिता देखो तो ये बत्तियां क्यों बुझ गई? वो भी छठ लगन के समय। पुरोहित जी चुप क्यों हो गए? मंत्र पढ़िए नहीं तो शुभ घड़ी बीत जाएगी। तुम्हारे कानों में वही है क्या? सुनते क्यों नहीं? अरे रुक जाओ ना पंडित। अरे बांकी तुम? यस डार्लिंग। बस करो पंडित जी। उठ झाड़ू फिरे। खामोश चंपा करनी। अरे अरे ये क्या कर रही है? छोड़ से ये शादी होकर रहेगी। ये शादी नहीं पाखंड है पाखंड। देख चंपा कली उस जगह पर करेगी तो ऐसी लाठी घुमा कर मारूंगी पति से बाहर गिर जाएगी। चल बाहर चल। चलो पंडित जी काम शुरू करो। जानकी बहन ये धोखा है फरेब है। मगर मेरा सुनील कहाँ है? घबराइए नहीं बहन जी, वो इस समय मंदिर में है। उसकी शादी हो रही है राजा लक्ष्मीपति के आशीर्वाद से और शादी हो रही है शांता से। ये शादी रोक दो। अच्छा हुआ आप सब लोग यहाँ आ गए। आप लोग यहाँ खामोशी से बैठ जाइए। हम यहाँ बैठे हैं। शादी नहीं रुकेगी। पंडित जी आप मंत्र पढ़िए। ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या तमाशा है? यही सवाल हम तुम लोगों से पूछना चाहते हैं। ये क्या तमाशा? राजा साहब हमारे रास्ते से हट जाइए वरना। किसने ये गुस्सा
जिसको जो कुछ कहना है मेरे सामने आकर बात करे, मैं जवाब देता हूँ। जवाब हम देंगे सुनील, तुम दोनों बैठ जाओ। शांता को ले जाओ सुनील, जवाब हम देंगे। तुम तो लड़के की माँ हो, ले जाओ अपने बेटे को घसीट के। चल बेटा। न मैं तुम्हारा बेटा हूँ, न तुम मेरी माँ हो। शांता, शांता बेटी, ये पाप है और ये पाप तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। मैं कोई पाप नहीं कर रही हूँ, जो पाप दूसरों ने किया है उसका प्रायश्चित कर रही हूँ धर्मानुसार। हाँ, ये पाप नहीं धर्म है, दो पवित्र आत्माओं का मिलन। मिलन नहीं, मौत, हमारे रीत रिवाज की मौत। और आप कहते हैं ये धर्म है? सुना लोगों, सुना, वाह वाह वाह, क्या अच्छा धर्म है। किसी के दूल्हे को जबरदस्ती लगन मंडप से उठा कर ले आए और फिर अपनी ही पत्नी को जबरदस्ती उसके गले मरने लगे। धर्म की दुहाई देकर। राजा साहब, आप धनवानी सही, मगर मनमानी नहीं कर सकते। शादी नजर, ये धर्म के विरुद्ध है। हम तुम लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या हमारी शादी रीत रिवाज और धर्म के अनुसार हुई थी? आपकी शादी वैसे ही हुई थी जैसे सबकी होती है। यही तुम्हारी गलतफहमी है, तुम सब लोगों की गलतफहमी। कैसी गलतफहमी? हमारी आंखों के सामने हुई थी। तुम्हारी आंखों पर झूठ और फरेब का पर्दा डाल दिया था, और जानते हो पर्दा किसने डाला था? इन दोनों ने। जानते हो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इन दोनों ने एक ऐसी चाल चली जिससे शांता और सुनील, जो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से अलग कर दिए गए। ये झूठ है, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम दोनों चाहती थी कि शांता की जगह तुम्हारी बेटी शोभा के साथ सुनील की शादी हो जाए, और इस चाल में इन दोनों ने एक ऐसे आदमी को घसीट लिया जो अपनी पहली पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। भगवान की बहुत बड़ी कृपा कि ये दोनों इस चाल में असफल रहे। रीत रिवाज और धर्म के अनुसार हमारी शादी नहीं हुई। तो वो मंगलसूत्र जो शांता के गले में डाला गया? हाँ, कहते शादी नहीं हुई, तो फिर मंगलसूत्र किसने पहनाया? यही सवाल हम तुमसे पूछ रहे हैं चंपाकली। एक पवित्र मंगलसूत्र को फांसी का फंदा किसने बनाया जो अब तक इस मासूम लड़के के गले में पड़ा रहा? उस समय हमें तो होश नहीं था, फिर किसने पहनाया वो मंगलसूत्र? किसने पहनाया? इसी चंपाकली ने। पूछो इससे ये सच है या झूठ, बोलो चंपाकली, बोलो बोलो। अगर अगर मैंने पहनाया होता तो मंडप पे इतने सारे लोग थे, क्या देख ना लेते? चंपाकली, मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब दे, क्या तूने मंगलसूत्र नहीं डाला था शांता के गले में जब मैंने बत्तियां बुझा दी थी तेरे कहने में आके? हाँ, बत्तियां तो बुझी थी। चंपाकली, इस समय तुम भगवान के मंदिर में हो, भगवान की सौगंध खाकर कहो तुमने वो पाप किया है या नहीं? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? चंपाकली, बोलते क्यों नहीं? चंपाकली, बोलते क्यों नहीं? बोल चंपाकली, बोलते क्यों नहीं? सर क्यों झुका लिया देवी जी? बोलते क्यों नहीं? बोल जवाब दे। बोल जवाब दे, बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? छोटी ठीक रही थी, ये हो गई क्या? अरे चंपाकली, आप बोलते क्यों नहीं? राजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर तुम मानती हो कि शांता के गले में मंगलसूत्र तुमने पहनाया था? जी हाँ, मैंने ही पहनाया था। ये तो हम भी मान गए, मगर ये शांता आपके घर इतने दिनों तक पत्नी की तरह तो रही? शांता हमारे घर में बेटी की तरह रही। हम भगवान को साक्षी मानकर कहते हैं कि अब तक शांता हमारे घर में बेटी की तरह रही। इसका भी वही नाम है जो हमारी माता जी का था, और हमारी बेटी का भी, शांता, जिसके रूप में कभी हमें वो अपनी बेटी दिखाई दी और कभी अपनी माता जी। मां और बेटी के सवा हमने उसे कभी कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब। ठीक है जानकी, अगर शांता तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करती? हम तुम सब लोगों से पूछते हैं, अगर शांता तुम्हारी बेटी होती तो तुम लोग क्या करते? हमें जवाब चाहिए, तुम लोग क्या कर? वही जो आप कर रहे हैं। तो फिर जो कुछ हम कर रहे हैं वो धर्म है या अधर्म? धर्म है। लक्ष्मीपति, जो कुछ तुमने किया है वो सच्चा धर्म, मानव धर्म। हाँ राजा साहब, धर्म है। धर्म है। आपने हमारी आंखें खोल दी। राजा साहब, आपने समाज में एक आदर्श रास्ता दिखाया है। राजा साहब, ये धर्म है, धर्म है, धर्म है। बस बस,
हम तुम लोगों से यही सुनना चाहते थे। लक्ष्मीपति पंडित जी आप मंत्र शुरू कीजिए, चंपा कली और जानकी तुम लोग आगे बढ़ो और वरवधु को आशीर्वाद दो। परम से सुनील, यह है तुम्हारी अमानत, साड़ी और कंगन।